गाजीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुछ दिन पहले मर्दर थाना में गला काटकर महिला हत्याकांड की मर्दर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पर्दाफाश कर लिया है। बुधवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने अभियुक्तियों को मीडिया से मुखातिब कराया। एसपी ने बताया कि महिला से अवैध संबंध को लेकर युवक ने उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सिंह ने बताया कि बीते 18 अगस्त मर्दर थाना क्षेत्र के भोजापुर गांव के सिवान के झाड़ी में एक महिला का सिर कटा शव मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। ग्राम प्रधान की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई थी। इसी क्रम में आज सुबह हैदरगंज चट्टी से घटना में शामिल मर्दर क्षेत्र के लौरापुर निवासी राम किशन यादव उर्फ चाकू उर्फ संजय यादव तथा बलिया जनपद के घघरौली थाना के बांसडीह रोड निवासी उषा पत्नी सूबेदार बिंद को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त राम किशन ने बताया कि विगत कई वर्षों से वह बलिया में रह रहा था। इस दौरान उसका संपर्क अभियुक्ता उषा देवी से हुआ तथा लॉकडाउन के दौरान वह अभियुक्ता के घर पर ही रह रहा था। अभियुक्ता के गांव की ही एक महिला जिसका नाम मिंता था, उसके द्वारा मेरे एवं उषा के अवैध संबंधों को सार्वजनिक कर दिया गया था। उसने उषा के पति को भी इस बारे में बता दिया था, जिसका बदला लेने के लिए मैं मिंता को अपने विश्वास में लेकर साजिश के तहत दिनांक 17 अगस्त को उषा के साथ मिंता को दवा दिलाने के बहाने बाइक द्वारा बलिया से लेकर चला। उसके बाद मिंता को अपने गांव भोजूपुर लाया और सिवान में ले गया। सुनसान स्थान पर बैठकर उससे बात करने के दौरान मौका मिलते ही हाथ से उसका गला दबाकर नाली में गिराकर हंसिया से उसका गला काट दिया। शव को छिपाने के लिए उस स्थान से ले जाकर झाड़ी में फेंक दिया था। एसपी ने बताया कि अभियुक्तों का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह, क्राइम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक विनीत कुमार राय, उप निरीक्षक सुरेश कुमार मौर्य, हेड कांस्टेबल राम भवन यादव, हेड कांस्टेबल राम प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल प्रेम शंकर, कांस्टेबल विकास श्रीवास्तव, कांस्टेबल आशुतोष सिंह, कांस्टेबल प्रमोद कुमार, कांस्टेबल ओम प्रकाश स्वात टीम, हेड कांस्टेबल लल्लू प्रसाद, कांस्टेबल कुलदीप बिंद, कांस्टेबल राजेश तिवारी, कांस्टेबल संदीप पांडे और महिला कांस्टेबल पुष्पा कुमारी शामिल थे। 18 अगस्त को जनपद गाजीपुर के मर्दा थाना अंतर्गत भोजापुर गांव में उसके जंगलों में एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी। इस सूचना पे हमारी पुलिस मौके पे गई तो थोड़ी दूर पे उस सिर कटी लाश का सिर भी बरामद हुआ और अज्ञात के रूप में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके बाद हमारी स्वाट टीम क्षेत्राधिकारी कासमाबाद और एसपीआरए के नेतृत्व में मर्दा की टीम लगी इस केस के अनावरण के लिए। इन लोगों ने सूत्रों का संकलन किया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और अपने सूत्रों के माध्यम से इस घटना का खुलासा हुआ। इसमें एक महिला और एक अभियुक्त, जो अभियुक्त रामकिशोर यादव और ये महिला उषा अरेस्ट हुई हैं, ये लोग लहुरापुर मर्दा थाना क्षेत्र और महिला जो है बांसडीह रोड बलिया की है। इसमें इसने जिस महिला को अरेस्ट किया गया है, इस महिला और इस पुरुष ने मिल करके इस औरत को, ये भी बलिया की निवासी थी, मारने की हत्या करने की योजना बनाई थी। कारण यह था कि जो महिला अभियुक्ता भी आपके सामने पेश की गई है, इससे और इस व्यक्ति के अवैध संबंध थे, जिसको इस महिला जिसकी हत्या हुई है इसने एक बार सार्वजनिक कर दिया था, तभी से इसने इसको अपने चंगुल में फंसा करके इसकी हत्या करने की योजना बना ली और इससे संबंध बनाया। और उसके बाद घटना वाले दिन मोटरसाइकिल पर बिठा करके ये वहाँ पे भोजापुर के पास जंगलों में लाए और इसको पानी में डुबोया और इसकी गर्दन काट करके हत्या कर दी और सर को अलग छिपा दिया। प्रतिशोध के उद्देश्य से, क्योंकि इनके अवैध संबंध को उन्होंने सार्वजनिक किया था, ये हत्या की गई है। ये एक पूरी तरीके से एक घटना अंधकार में थी जिसका अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर दिया। ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।